नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है जनजातियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स। तो भारत में जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती है उसमें बहुत सारी विभिन्नताएँ हैं, और इन जनजातियों का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न आधारों पर किया गया है। और वर्गीकरण के लिए जो आधार अपनाए गए हैं उसमें प्रमुख रूप से उनकी भौगोलिक स्थिति, भाषा, जनजातियों की प्रजाति, उनकी अर्थव्यवस्था, जनजातियों की संस्कृति आदि के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण किया गया है। तो आज हम देखेंगे कि जनजातियों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार अलग अलग रूप में किया गया है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत डॉक्टर B.S. गुहा ने भारत की जो संपूर्ण जनजातियां हैं उनको तीन भागों में बांटा है। सबसे पहला है इसमें उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश और असम के पहाड़ी भाग सम्मिलित किए गए हैं, तथा साथ ही इसमें लेह, शिमला और लुसाई पर्वत का जो क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। और ये जो क्षेत्र है ये सीमावर्ती होने के कारण राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्र में जो जनजातियाँ पाई जाती है उनमें प्रमुख रूप से भोटिया जनजाति, थारू, नागा, गारो, खासी, दाफला, कुकी, मिकिर, लुसाई, चकमा, गुरंग आदि जनजातियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसी प्रकार भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो है मध्यवर्ती क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर में गंगा के मैदान से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक का भाग इसमें सम्मिलित किया गया है। साथ ही इसमें विंध्याचल और सतपुड़ा के जो पहाड़ों की जो पट्टी है वो भी इसमें सम्मिलित की गई है। और इसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में जो निवास करने वाली जो जनजातियाँ हैं वो इसमें सम्मिलित की गई है मध्यवर्ती क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में जो जनजातियाँ पाई जाती है उसमें प्रमुख रूप से संथाल, मुंडा, उराव, हो, खरिया, गोंड जनजाति, बेगा जनजाति, भील जनजाति, कोली, मीणा, बिरहोर आदि जनजातियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है ये जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य जो क्षेत्र है उससे बड़ा है। और इस क्षेत्र में जो जनजातियाँ पाई जाती है उनमें संथाल, भील और गोंड जनजातियाँ महत्वपूर्ण जनजातियों में है। और इस क्षेत्र की जनजातियों पर जो विभिन्न प्रक्रियाएँ हैं जैसे कि औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि का प्रभाव यहाँ पे निवास करने वाली जनजातियों पर बहुत अधिक पड़ा है, और इस कारण वे नवीन शहरी संस्कृति के संपर्क में अधिक आ रही है। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों का जो प्रमुख कार्य है, व्यवसाय है, वो कृषि कार्य है। भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत तीसरा जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी क्षेत्र। इसके अंतर्गत कृष्णा नदी के जो दक्षिणी भाग है वो इसमें सम्मिलित है। और इसमें मैसूर, ट्रावनकोर, कोची, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि क्षेत्र आते हैं। और इन क्षेत्रों में जो जनजातियां निवास करती है उसमें नीलगिरी के टोडा जनजाति, कोटा जनजाति, कदार, पनियन और हैदराबाद के चेचू, कुरुम्बा, उराली आदि प्रमुख जनजातियां इनमें निवास करती है। और इसी क्षेत्र में अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं उनमें निवास करने वाली जनजातियां जैसे कि जाखा, निकोबारी, सेंटिनेली, ओंग,
शोपन आदि जनजातियाँ भी दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो इस प्रकार भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत जनजातियों को तीन विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला जो वर्गीकरण है वो है प्रजातीय वर्गीकरण। इसके अंतर्गत गुहा, हट्टन और रिजले आदि ने भारत की जनजातियों में जो विभिन्न प्रजातीय विशेषताएं पाई जाती है उसके आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण किया है। और भारतीय जनजातियों में जो रिजले हैं उन्होंने द्रविड़ और मंगोल प्रजातियों के तत्वों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार बीएस गुहा ने इसमें निग्रिटो आदि आग्नेय और मंगोल प्रजातीय तत्वों का भारतीय जनजातियों में उल्लेख किया है। और इसी प्रकार डॉक्टर मजूमदार ने भारतीय जनजातियों में निग्रिटो प्रजाति के जो तत्व हैं उनकी उपस्थिति को ये नकारते हैं, यानी कि निग्रिटो प्रजाति के जो तत्व हैं भारतीय जनजातियों में नहीं पाए जाते, ऐसा डॉक्टर मजूमदार का विचार है। अगला जो वर्गीकरण है वो है भाषा के आधार पर वर्गीकरण। तो जनजातियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, काम में ली जाती है जो भाषा, उसके आधार पर जनजातियों को तीन भागों में बांटा गया है। उनमें है पहला जो प्रकार है उसमें है द्रविड़ भाषा बोलने वाली जनजातियाँ, दूसरा है ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाली जनजातियाँ और तीसरा है चीनी तिब्बती भाषा बोलने वाली जनजातियाँ। इस प्रकार भाषा के आधार पर जनजातियों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला जो वर्गीकरण है वो है सांस्कृतिक वर्गीकरण। सांस्कृतिक वर्गीकरण जो है वो वेरियर एल्विन ने प्रस्तुत किया है और इन्होंने सांस्कृतिक आधार पर जनजातियों को चार प्रमुख भागों में बांटा है। इसके अंतर्गत उन्होंने चार श्रेणियां बताई है। तो प्रथम जो श्रेणी है उसमें उसके अंतर्गत उन आदिवासी लोगों को रखा है जो कि अत्यधिक आदिम है और संयुक्त सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं और ये आदिवासी दुर्गम और घने जंगलों में निवास करते हैं और इनकी जो कृषि का जो प्रकार है वो झूम प्रकार है, यानी कि ये लोग झूम प्रकार की कृषि करते हैं। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत वेरियर एल्विन ने उन जनजातियों को रखा है जो कि प्रथम श्रेणी की भांति ही एकाकी और परंपरावादी है, लेकिन इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ गए हैं और ये लोग अपने सामूहिक जीवन को त्याग कर व्यक्तिवादी हो रहे हैं धीरे धीरे। तीसरी श्रेणी के अंतर्गत वे जनजातियाँ आती हैं जो कि आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के अत्यधिक संपर्क के कारण अपनी मूल संस्कृति खो चुकी है और इनका जो आदिवासी धर्म है, परंपरा, प्रथा, कला, विश्वास, सामाजिक संगठन आदि धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं या छिन्न भिन्न हो रहे हैं। नेक्स्ट जो श्रेणी है चौथे प्रकार की, उसमें उन जनजातियों को रखा है जो कि प्राचीन कुलीन वर्ग की जनजातियां हैं और इनमें भील और नागा लोग प्रमुख हैं और इन लोगों ने बाह्य संस्कृतियों के संपर्क के बावजूद भी जो अपनी मौलिकता है उसको बनाए रखा है और ये लोग उच्च जनजातियों से अपना संबंध जोड़ते हैं। तो इस प्रकार वेरियर एल्विन ने संस्कृति के आधार पर जनजातियों को चार श्रेणियों में बांटा है। अगला जो वर्गीकरण है वो है आर्थिक वर्गीकरण। आर्थिक वर्गीकरण के अंतर्गत जनजातियों का वर्गीकरण उनके द्वारा जो अर्थव्यवस्था के रूप में जो जीवन जीने के लिए जो आर्थिक व्यवस्था जो जनजातियों के लिए अपनाई जाती है उसके आधार पर जनजातियों को चार भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है शिकार करने एवं संकलनशील अर्थव्यवस्था वाली जनजातियाँ, यानी ये जो जनजातियाँ हैं ये अपने जो
आजीविका है, भरण पोषण है, वो शिकार और वनों से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके आधार पर अपनी आजीविका चलाती है। दूसरा है पशुपालक जनजातियाँ हैं, ये जनजातियाँ प्रमुख रूप से पशुपालन का कार्य करती है। और अगला है कृषि करने वाली जनजातियाँ, और इन जनजातियों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि है, कृषि करना है। और चौथा है उद्योगों में लगी हुई जनजातियाँ, तो इन जनजातियों के लोग प्रमुख रूप से जो विभिन्न उद्योग है, साथ ही जो चाय के जो बागान है, इसमें इस जनजाति के लोग कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जनजातियों का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न आधारों पर किया जाता है, क्योंकि भारतीय समाज में जो जनजातियों में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है, और इसीलिए जनजातियों को या जनजातियों की जो संस्कृति है, उनकी संरचना है, उसको पूर्ण रूप से समझने के लिए उनके वर्गीकरण के आधार पर हम जनजातियों की संरचना को ढंग से समझ सकते हैं।